हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। उसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसका मैं आपको रूल्स बताऊंगी और उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो रूल है वो इस प्रकार है। कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हम देखते हैं कि लास्ट ऑफ द सेंटेंस चुका है, चुके हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। अब रूल सेकंड है, इसमें थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला क्या है, ये अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव का यूज होता है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस Not और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस उसमें हैज और हैव पहले आ जाता है, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया जाता है। अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ सेंटेंसेस दूंगी हिंदी में और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। अब यहाँ पे आप देखेंगे आई के संग हैव लगा है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। अब यहाँ जब सिंगुलर नंबर्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, उसके संग हैज लगेगा, और प्लूरल नंबर्स के संग हैव लगेगा, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने झूठ बोला है,
नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने झूठ बोला है, इसका होगा यू हैव टोल्ड अ लाई। एक सेंटेंस और मैं आपको बताती हूं, थर्ड सेंटेंस, सूर्य निकल आया है, इसका होगा द सन हैज राइजन। यहां पे देखिए द सन के साथ क्या यूज हुआ है, हैज का यूज हुआ है, और यू के साथ किस चीज का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। ये ध्यान देने वाली चीज होती है। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रही हूं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स यहां पे हैं। फर्स्ट नंबर पे सूर्य अभी नहीं निकला है, द सन हैज नॉट राइजन येट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने छोटे भाई को नहीं पीटता है, ही हैज नॉट बीटन हिज यंगर ब्रदर। थर्ड सेंटेंस लीजिए, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल यू। ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल जो इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे चपरासी कहाँ गया है, इसका होगा वेयर हैज द प्यून गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, उन्होंने आज क्या खाया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, इसका होगा व्हाट हैव दे ईटन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने एक चोर नहीं पकड़ा है, हैव यू नॉट कॉट अ थीफ।
मैंने आपको यहाँ पे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।